हेवलॉक के ही पास में एक आइलैंड है, एलिफेंटा बीच को बोलते हैं। तो उसका जो कम्यूट है वो आपको ऑटो यहाँ पे लाके रोक देगा, यहाँ से आपको बोट के जाना पड़ता है। बोट का प्राइस है 1000 रुपीज़ इन शेयरिंग, आना जाना दोनों। इट्स वेरी इजी यहाँ। देखिए जब मैं सुबह कल आया था तो मेरे को मेरे फेरी ने इधर ही ड्रॉप करा था, और इस जगह के लिए बहुत गोविंद नगर और राधा नगर से बस चलती है। मेरे को आइडिया नहीं था तो मैं आई वुड हैव कम बाई बोट ओनली, सॉरी बस ओनली, बट इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। फिर जब आप इधर आएंगे तो आपको बोट का बुकिंग करना होता है, और ये सारा दीज आर ऑल द बुकिंग पॉइंट्स। मैंने इनके यहाँ से अपना बोट बुक करा है, और देन दे ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट एडवेंचर स्पोर्ट्स और बोट एक्टिविटीज़। तो यहाँ से आप लोग बुक कर सकते हैं। सबसे सस्ता एक्टिविटी कौन सा है? ये सर राइड्स है सर, ये सारे राइड्स। अच्छा, ये सारा का प्राइस 600 से स्टार्ट होता है। अच्छा, और अगर आपको भीगने का मन नहीं है तो यू कैन टेक बोट राइड। ये एक बोट राइड है, और ये है ये वाला भीगने वाला, ये है ये भीगने वाला। हर टूर प्रोवाइडर का अपना बोट है, एंड आपका नंबर आने पर आपको बोट पिक करेगी, आपका नाम अनाउंस होता है, एंड वंस यू सिट ऑन दिस बोट दे गिव यू अ लाइफ जैकेट, और उसके बाद 20 मिनट की राइड में यू रीच एलिफेंटा बीच। Once you get down from your boat, आपके गाइड आपको ब्रीफ करेंगे अबाउट वेरियस एक्टिविटीज एंड हाउ टू टेक देम। यही है एलिफेंट बीच, सेक्लूडेड बीच, कुछ आधा घंटा दूरी है यहाँ से हेवलॉक बीच से। ज़्यादा कुछ है नहीं, इवन दी वाइट सैंडी बीचेस, और थोड़ा आपको सामने यहाँ पे 30 मीटर और 15 मीटर का स्नॉर्कलिंग होता है। आप जिस बोट से आएंगे वहाँ पे आपको एक वो पेड स्नॉर्कलिंग देगा, और उसके बाद सॉरी एक फ्री स्नॉर्कलिंग देगा कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि 15 मीटर तक जाता है जहाँ, बट उन्होंने कहा कि 15 मीटर पर कुछ दिखता नहीं है। जो बेटर व्यू वाला स्नॉर्कलिंग है उसके लिए यू विल हैव टू गो इनसाइड लाइक 30 मीटर्स।
वैसे काफ़ी बोर्ड्स है कि बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आप ऐसे सिक्योरेटेड बीचेस पे, जैसे कोरल बीच है पटाया में और मालदीव्स में कैसे बीचेस हैं, तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी शेड वगैरह होता है, बड़े आदमी थोड़ा सा बैठने का जगह है वो भी लिमिटेड है और टूरिस्ट पे टूरिस्ट आते जा रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने पिकअप पॉइंट से ही सारा राइड वगैरह बुक करके आना है, यहाँ पे भी देर आर डिफरेंट बुकिंग काउंटर्स, आपने जहाँ से आपको फेरी मिलेगी वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं और आप ऐसे ही बुक कर सकते हैं। बट यहाँ पे यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आप जो गूगल पे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको गूगल पे करने नहीं मिलेगा, मतलब वो कैश कैरी करना पड़ेगा। मैंने एक ग्लास बोट राइड बुक करवा लिया था, इट कॉस्टेड मी 3500 रुपीज। मैंने डॉल्फिन बोट राइड बुक करा क्योंकि मुझे पानी में उतरने का मन नहीं था, मैंने कपड़े वपड़े नहीं लगाए और मुझे अंडर वाटर देखना था, तो या तो आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं या तो आप ऐसा कोई राइड कर सकते हैं। तो ये डॉल्फिन बोट राइड दो तरह का होता है, एक जो है ग्लास बोट राइड है जिसमें जिसका कॉस्ट कुछ 1500 रहता है एंड उसमें मतलब खुला सा बोट रहता है, उसमें यू वॉन्ट सी एनीथिंग, मतलब ऐसे टाइप का ग्लास बोट रहेगा बट थोड़ा गर्म भी रहता है और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी रहता है। मैंने ये लिया है, इसका कॉस्ट मुझे 1500 रुपये आया है, सॉरी 3500 रुपीज़ आया है एंड इट्स वेरी कम्फर्टेबल है, हर जगह फ़ैन लगा हुआ है, इट्स कूलर लगा हुआ है, सो अगर आप यू आर ओल्ड एज या आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, यू गेट अनकम्फर्टेबल फास्ट, तो दिस इज़ बेस्ट। चलिए देखते हैं इसमें अभी क्या है। यहाँ कोई मरीन लाइफ नहीं है, मछलियाँ वगैरह नहीं है, सब ठीक है। Thank you.